अजान और हनुमान चालीसा पर मचे घमासान के बीच योगी का लाउडस्पीकर मॉडल हिट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मनवाने के लिए योगी सरकार के निर्देश का असर पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है और लाउडस्पीकर धड़ाधड़ उतारे जा रहे हैं या उनकी आवाज कम की जा रही है। अजान पर कैसा घमासान, लो हो गया समाधान। हनुमान चालीसा पर कैसा हंगामा, लो हो गया इंतजाम। योगी का बुलडोजर मॉडल सुपर हिट था तो लाउड स्पीकर मॉडल भी जबरदस्त हिट है। यूपी के अलग अलग शहरों कस्बों से आई तस्वीरें तो कम से कम यही बता रही हैं। जी हाँ, योगी का लाउड स्पीकर मॉडल भी अब सुर्खियां बटोर रहा है। लाउड स्पीकर पर योगी के लाउड ऐलान को फिलहाल हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय मानते नजर आ रहे हैं। चलिए योगी के ही क्षेत्र गोरखपुर से शुरुआत करते हैं। गोरखपुर के 300 से ज्यादा छोटे बड़े मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को मस्जिद के मौलवी और दूसरे लोग खुद ही उतार रहे हैं और सरकार के इस निर्देश का स्वागत कर रहे हैं। गोरखपुर में अब आपको मस्जिद के मीनारों पर लगे लाउड स्पीकरों से अजान की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि गोरखपुर में तमाम जो मस्जिद है वहां पे लोग खुद ही अपने जो मीनारों पर लगे लाउडस्पीकर थे उनको उतार रहे हैं। और साथ ही सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं सभी धार्मिक स्थलों के लिए, चाहे वो मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, उन सभी जगहों से इस समय लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में जो पुलिसकर्मी है वो भी उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां जहां पर लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। शांति व्यवस्था हर जगह बहाल रहे, लोग स्वेच्छा से अपने लाउडस्पीकर को हटाएं, इसकी भी यहाँ पे सुनिश्चित करने की कोशिश जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक पर लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा रही है। जो वैध हैं वहां आवाज को नियंत्रित करवा रही है। जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल दोपहर 1:30 बजे तक उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से 6031 लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। वहीं 29674 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। देखिए, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी समुदाय से जुड़े हों, इस ड्राइव के अंदर सरकार की पूरी तरह से सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक जाति या एक धर्म के लिए ये नहीं है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, सभी जगह पर अगर लाउड स्पीकर लगा हुआ है जो मानक सरकार ने तय किए हैं उससे ज़्यादा की वॉल्यूम में अगर आप बजाते हैं तो वो कार्रवाई सभी पर होगी। योगी के आदेश पर प्रशासनिक अमला एक्शन में है। इसमें सबसे ज्यादा लखनऊ जोन में 6400, फिर बरेली जोन में 6257, मेरठ जोन में 5976 और गोरखपुर जोन में 2767 मंदिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज नियंत्रित कराई गई है। मऊ, अमरोहा, बरेली, बागपत, महोबा, गाजियाबाद, कन्नौज, बलरामपुर या फिर सहारनपुर, बस शहरों के नाम बदलते जाइए, तस्वीरें एक जैसी ही मिलेंगी। अधिकतर जगह हिंदू मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग स्वेच्छा से लाउड स्पीकर उतार रहे हैं और जहां ऐसा नहीं हो रहा है वहां प्रशासन का डंडा चल रहा है। भगवान का भजन करना है, संकीर्तन करना है, तो उसके लिए जो है कुछ भी माइक का आवश्यकता नहीं है। मंदिर हो या मस्जिद हो, बराबर सबके लिए फैसला होना चाहिए। जो भी काम करें एक होकर के काम करें, चाहे वो मस्जिद का हो या मंदिर का हो। लाउड स्पीकर से तो कोई मतलब है नहीं, जिसको नमाज पढ़नी है वो बिना लाउड स्पीकर भी पढ़ सकता है। लाउड स्पीकर पर बात आज से 17 साल पहले 2005 में शुरू हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए थे। लेकिन इधर पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उछाला। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दे डाला कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से ही हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। राज ठाकरे के इस ऐलान की आंच दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गई। कई शहरों में हनुमान चालीसा बजाने के मामले आने लगे, सियासत भी खूब हुई। देखते ही देखते लाउडस्पीकर विवाद उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गया। यहां भी अलीगढ़, वाराणसी समेत तमाम जगह हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले सामने आने लगे। बस यहीं से इस मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन का फरमान जारी कर दिया। योगी का फरमान क्या आया, पूरे प्रदेश में अभियान छिड़ गया।
खास बात ये कि योगी के इस लाउड स्पीकर मॉडल को सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। योगी अपने तेवर और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि देश मजहबी तौर तरीकों से नहीं, कानून और संविधान से चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।